अक्सर भुतहा कहानियाँ सुनकर अधिकतर लोग डर जाते हैं, पर उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक नए रोमांच के लिए डरावनी जगहों की खोज में जाते हैं। आसपास होने वाली असाधारण गतिविधियाँ अक्सर लोगों को डराती है, जिससे लोगों में सबसे ज़्यादा सनसनी फैलती है। लेकिन अगर आपको भूतों से डर लगता है तो आप ऐसे स्थानों पर जाने से बचें। वे लोग जिन्हें भुतहा जगहों के सैर करना पसंद है, उनके लिए हम पुणे की भुतहा जगहों के बारे में आज आपको इस वीडियो में बताएंगे, जहां आप डर से कांप जाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। विक्ट्री थिएटर पुणे। अक्सर रात के समय यहां की लाइब्रेरी में भूतों की आवाज आती है। चलिए अल्बर्टो मगुअल के इस विचार में लाइब्रेरी शब्द को थिएटर के साथ बदल देते हैं। जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं पुणे के विक्ट्री थिएटर के बारे में, जहाँ सुबह से शाम तक फिल्में दिखाई जाती है और दिन भर लोगों का उत्साह देखने लायक होता है। वहीं इसके विपरीत रात में यहाँ भूतों का उत्सव होता है। आवाज करती कुर्सियाँ, चरमराते दरवाजे, तेज और चुभती आवाजें विक्ट्री थिएटर में रात भर सुनाई देती है, इसलिए इसे पुणे के सबसे भुतहा जगहों में से एक माना जाता है। सिंहगढ़ किला पुणे। चलिए आज हम इतिहास को फिर से दोहराते हैं। आज के समय में सिंहगढ़ किला प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है, जो पुणे के पास ही लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस पुराने किले की कई सारी डरावनी कथा कहानियां प्रचलित है। यहाँ के मूल निवासी कहते हैं कि उन्हें यहाँ पर युद्ध और युद्ध भूमि में होने वाली आवाजें सुनाई देती है। उनका मानना है कि ये जरूर ही उन सैनिकों की आवाजें हैं जो इस किले में युद्ध के दौरान मारे गए थे। इस किले से ही संबंधित एक और कहानी एक दुर्घटना की है जो इस किले में घटी थी। कुछ सालों पहले यहाँ एक बस दुर्घटना में कई बच्चों की मौत हो गई थी। कुछ पर्यटकों और गाँव वालों का कहना है कि उन्होंने किले के इस चट्टान के पास जहाँ बस दुर्घटना हुई थी, वहाँ बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। शनिवार वारा पुणे। शनिवार वारा पिसवाओं का महल पुणे शहर में ही स्थित है। हाल ही में आई बाजीराव मस्तानी फिल्म ने इसे और प्रसिद्ध दिलाई है। हालांकि शनिवार वारा एक भुतहा स्थान होने के लिए भी प्रसिद्ध है, जहाँ कई सारी असाधारण गतिविधियाँ होने की बात होती है। कहानियों के अनुसार यहाँ पेशवा बालाजी बाजीराव के बेटे नारायण राव की आवाज़ गूंजती है। ऐसा कहा जाता है कि इस किले में नारायण राव की हत्या की गई थी और हत्या से पहले उसके आखिरी शब्द थे, काका माला बचाओ, मतलब काका मुझे बचाइए, और यही शब्द इस किले में अब तक गूंजती रहती है। चंदन नगर पुणे। क्या आपने अंग्रेजी फिल्म एनाबेले की एनाबेले गुड़िया देखी है? आपको समझ में आ ही गया होगा कि चंदन नगर में भी ऐसी एक गुड़िया की तरह छोटी सी बच्ची के भूत को यहाँ देखा गया है। इस स्थान के निवासियों का कहना है कि उन्होंने रात में एक छोटी सी बच्ची को सफ़ेद फ्राक पहने यहाँ घूमते हुए देखा है। ऐसा कहा जाता है कि यह उस छोटी बच्ची की आत्मा है जो कुछ सालों पहले यहाँ के कंस्ट्रक्शन साइट पर मारी गई थी। चंदन नगर को पुणे के टॉप 5 भुतहा जगहों में से एक माना जाता है। खरकी युद्ध का कब्रिस्तान पुणे। खरकी की लड़ाई का युद्ध क्षेत्र था जो अंग्रेजों और मराठों के बीच लड़ी गई थी। खरकी युद्ध का कब्रिस्तान खरकी युद्ध में मारे गए कई कर्मचारियों को समर्पित है। लोगों का कहना है कि युद्ध में मारे गए सैनिकों की आत्माओं को भड़कते हुए इस कब्रिस्तान में देखा गया है। यह स्थान भी पुणे की डरावनी जगहों में से एक है, जहाँ अगर आप पुणे की भुतहा यात्रा पर जा रहे हैं तो जरूर ही जाएं। आप अगर इन जगहों की यात्रा में जाना चाहते हैं तो बैग पैक कर निकल पड़िए कुछ अलग नए रोमांचक और भयानक अनुभव वाले सफर में। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और खुदा हाफिज़ दोस्तों।